चैन तुमसे करार तुमसे है, चैन तुमसे करार तुमसे। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं हजरत सिकंदर वादी के घर आई हूँ। हजरत रूम में नहीं है, उनके घर वालों की इजाज़त से मैं उनके रूम की वीडियो बना रही हूँ और आप सब लोग देखिएगा। देखिए हजरत का गेट है, देखिए गेट पर लिखा हुआ है बिस्मिल्लाह पढ़कर दाखिल हो चाहे हजार बार। ओके, ये हम रूम के अंदर जाते हैं। ये कुछ 3D स्टिकर है, ये दीवार है, शायद ये टूट गई है, रिपेयर होगी। ठीक है, जल्द से जल्द हजरत इसे रिपेयर करवाएंगे, डोंट माइंड। ये कुछ खाने का सामान है, इसे शायद हजरत सुबह में यूज़ करते हैं। ये शहद है, सॉरी ये ईतर है, शहद ये है और ये मुनक्का है। ये दोनों चीज़ हजरत वो सुबह इस्तेमाल करते हैं। ये आला हजरत का शेर लिखा हुआ है। ये हजरत की अलमारी, देखिए दिखाती हूँ मैं। ये पौधे हैं छोटे छोटे, रियल हैं ये। और ये वो लोटा है जिससे हजरत पानी पीते हैं, मिट्टी का है ये, जिससे हजरत पानी पीते हैं। ये वो जगह है जो आप सभी लोगों ने हजार बार देखी होगी, क्योंकि ये रिकॉर्डिंग पहले इसी के आगे होती थी। आइए मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाती हूँ। ये पिंजरा है, पिंजरे में एक लड़के की फ़ोटो है, उस पर लिखा है मोमिन और पिंजरे के ऊपर लिखा है दुनिया। इसका मतलब आप खुद ही लोग सोच लें, समझ लें। ये वो पेन है जो आपने रिकॉर्डिंग में देखा होगा। अच्छा, ये पिंजरा हजरत ने अपने हाथों से बनाया है। ये पेन है जिस पे लिखा है SMS वारसी, सैयद मोहम्मद सिकंदर वारसी। ये हजरत की गुल्लक है, ये हजरत की गुल्लक है जिसमें हजरत अपनी सेविंग करते हैं, इसमें पैसे जोड़ते हैं। अभी हजरत रूम में नहीं है इसलिए उनके हर एक चीज बहुत बारीकी से दिखा रही हूँ। रुकना, ये हजरत का इमामा शरीफ है। ये चेयर और टेबल है और ये है बुक। हजरत के पास बहुत सारी बुक्स हैं। ये है फतावा रजविया, फतावा रजविया जिल्द 1 1। ये बहारे शरीफ है और भी तरह तरह की बुक्स हैं। और ये हजरत का कंप्यूटर है जिससे वीडियो एडिटिंग वगैरह होती है। कलमदानी हाथ से बनाई लग रही है। ये कलमदानी है, कलमदानी देखते हैं। ये हजरत ने अपने हाथ से बनाई है, ये हजरत ने अपने हाथ से बनाई है कलमदानी।
और ये आलम रब का शेर लिखा हुआ है, ए रजा हर काम का एक वक्त होता है। ये खिड़की है, बस ये था हजरत का कमरा जो कि रियल में देखने में बहुत खूबसूरत है। पहली बार ये कमरा लोगों को देखने मिलेगा क्योंकि वैसे तो सिर्फ ये पोर्शन देखने को मिलता है, आज ये पूरा कमरा लोग देख पाएंगे। अस्सलाम वालेकुम।